हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं गुजराती कढ़ी। जब भी शादियों में जाते हैं तो कढ़ी खाने का बहुत मज़ा आता है, लेकिन घर पे जब बनाते हैं तो बिल्कुल उसकी जैसी नहीं बनती है। तो कौन कौन सी चीज़ का आपको ख्याल रखना है तो आपकी जो कढ़ी है वो भी बिल्कुल शादियों वाली बनेगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कप दही ले लिया है। दही हमें खट्टा ही लेना है। उसमें 2 चम्मच हम बेसन डाल देंगे। दोनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। तो यहाँ पे मैंने खट्टा वाला दही यूज़ किया है। अब पानी ऐड कर देंगे 1 कप जितना और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब भी आप कढ़ी बनाएं तब आपको खट्टा वाला दही लेना है और फ्रेश ही दही लेना है। 1 या 2 दिन पुराना दही आपको यूज़ नहीं करना है, वरना जो आपकी कढ़ी है उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो कढ़ी का हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। अब चलते हैं तड़का लगाने के लिए। तो तड़का लगाने के लिए मैंने एक पैन गरम करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे हम बड़ा वाला ही पैन लेंगे। उसमें हम 2 चम्मच ऑयल और राई और जीरा ऐड कर देंगे। उसे अच्छे से सौते कर लेंगे और उसके बाद बाकी के खड़े मसाले। तो खड़े मसाले में मैंने यहाँ पे मेथी के दाने भी लिए हैं और बाकी के जो मसाले हैं उसका नाम भी मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। सारे मसाले को अच्छे से सोते कर लेंगे और उसके बाद ग्रीन चिली, अदरक और गार्लिक भी ऐड कर देंगे। गार्लिक से हमारी जो कढ़ी है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। शादियों में जो आप कढ़ी खाते हैं उसमें गार्लिक रहता है, इसी की वजह से आपको बहुत अच्छी लगती है। 1/4 टीस्पून हम हींग ऐड कर देंगे। अब हमने जो तैयार किया है कढ़ी का मिश्रण, उस मिश्रण को भी ऐड कर देना है। नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार और 2 चम्मच जितनी हम यहाँ पे शुगर भी ऐड कर देंगे। तो गुजराती जो कढ़ी रहती है वो नॉर्मली थोड़ी सी मीठी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे शुगर का ही इस्तेमाल किया है। आप शुगर की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे करीबन 5 मिनट हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। तो हमारी जो कढ़ी की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी गाढ़ी है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1/2 कप पानी और डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारी जो कढ़ी की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी पतली है, लेकिन हमें इसे करीबन 15 मिनट तक लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे पकाने से हमारी जो कढ़ी की कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगी। मीडियम फ्लेम पे करीबन 2 से 3 उबाल आए तब तक हमें इसे पकाना है। तो जब तक हमारी कढ़ी तैयार हो रही है तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आपकी कमेंट और लाइक से मुझे और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो अब हमारी कढ़ी है वो पक के तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और हमारी कढ़ी को सर्विंग बाउल में ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी को सर्विंग बाउल में ले लिया है और ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल के उसे सर्व कर लेते हैं। तो आप इस कढ़ी को खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं और राइस के भी साथ खा सकते हैं। तो तैयार है हमारी गुजराती कढ़ी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।